students, how are you all? I hope you all are fine. Now today's topic, to draw color wheel. Color wheel कैसा रहता है अभी दिखाते तुम लोगों को. Color wheel में primary color रहता है, secondary color और tertiary color. तीन टाइप के color रहते हैं. Primary color जो है color, वो कोई भी color से नहीं बनता है. उनका separate अस्तित्व यह है, इसलिए वो कोई कलर से नहीं बनता है. तो प्राइमरी कलर से सेकेंडरी कलर भी बनता है और टर्शियरी कलर भी बन सकता है. तो अभी कलर कैसे बनाते हैं अभी इसमें आप लोगों को दिखाएंगे. तो देखो अभी कैसे बनाते हैं. तो कलर, ये प्राइमरी कलर है. पहले अपन कलर व्हील निकाल देंगे. कलर व्हील निकाला तो भी चलेगा, सेपरेट बनाया तो भी चलेगा, सर्कल में बनाया तो भी चलेगा. अभी मेरे जो ये समझ में आएगा इसलिए सिंपल इसमें बना रहा हूँ. कलर भी इसमें क्या कर दिया, पहले रेड कलर, रेड, येलो और ये ब्लू. ये हो गए प्राइमरी कलर, रेड, येलो और ब्लू. ये हो गए प्राइमरी कलर. अभी प्राइमरी कलर से क्या करने का अपने को, सेकेंडरी कलर. सेकेंडरी रेड और येलो दोनों कलर का कॉम्बिनेशन करेंगे तो ऑरेंज कलर मिल जाएगा. ऑरेंज कलर, अभी ये ऑरेंज कलर जब कभी मिलेगा, जब रेड कलर तुम लोग 50% यूज करेंगे और येलो कलर 50% कलर करेंगे, तभी तुम लोगों को ये ओरिजिनल ऑरेंज कलर मिलेगा. अगर तुम लोग इसमें कभी कलर थोड़ा सा कम ज्यादा करेंगे, रेड कलर कम डाल दिया, येलो कलर थोड़ा ज्यादा डाल दिया, तो ऑरेंज कलर पूरा कन्फर्म नहीं बनेगा. ये हो गया ऑरेंज कलर. अभी येलो और ब्लू कलर, ये दो कलर मिक्स करने के बाद अपना कौन सा कलर बनेगा, ग्रीन कलर. ग्रीन कलर, येलो और ब्लू कलर मिक्स करने के बाद ग्रीन कलर हो गया. बराबर है, ग्रीन कलर बराबर है ना. हाँ, अभी दो कलर हो गया, रेड हो गया, येलो हो गया, ग्रीन भी हो गया, ब्लू. और ब्लू और रेड ये दो कलर मिक्स करके कौन सा कलर बन जाएगा, पर्पल कलर. पर्पल कलर को क्या बोल सकते हैं, वायलेट भी बोल सकते हैं. पर्पल कलर, पर्पल कलर. अभी कितना कलर हो गया है, तीन. पहले ओरिजिनल कलर थे रेड, येलो और ब्लू, अभी क्या हो गया, ऑरेंज, ग्रीन और पर्पल, यानी वायलेट कलर. अभी कितना हो गया, छह कलर हो गया. अभी छह कलर के बाद इसमें और रेड और ऑरेंज कलर मिक्स करेंगे तो और कलर चेंज हो जाएगा. तो क्या करेंगे, रेड ऑरेंज. इसमें क्या होगा, क्योंकि रेड का परसेंट इसमें ज्यादा रहेगा, इसलिए ये हो गया रेड ऑरेंज कलर हो गया. ऑरेंज, रेड ऑरेंज कलर. उसके बाद ऑरेंज और येलो, ये दो कलर मिक्स करेंगे तो येलो ऑरेंज कलर हो जाएगा. तो ऐसा अपने को बहुत सारा अपने को शेड रेडी हो जाएगा इसमें. कौन से कलर से, खाली प्राइमरी, प्राइमरी कलर से. प्राइमरी कलर कौन से है, रेड, येलो और ब्लू कलर. ऐसा कलर पूरा कलर व्हील हो जाएगा इसमें से. कितना कलर हो जाएगा टोटल, 12 कलर रेडी हो जाएगा. ये पर्पल कलर और रेड कलर मिक्स करेंगे तो भी कलर रेडी हो जाएगा. पर्पल कलर और ब्लू कलर मिक्स करेंगे तो भी एक कलर रेडी हो जाएगा. ब्लू कलर और ग्रीन कलर मिक्स करेंगे तो भी कलर, एक कलर रेडी हो जाएगा. ऐसा कलर करते करते अपने पास कितना टोटल कलर हो जाएगा, 12 कलर. और ये 12 कलर से भी और उसमें कलर अगर डालेंगे तो और कलर बढ़ते जाएगा. इससे आप क्या, इसमें क्या होता है, कलर बढ़ते जाता है, कलर शेड बढ़ते जाता है. तो प्राइमरी कलर है ये, सेकेंडरी कलर हो गया, टर्शियरी कलर भी हो गया. लेकिन अपने को क्या है, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, ज्यादा कलर बनाने की जरूरत नहीं. क्या है अपने को, खाली यूज कौन से करने का है, रेड, येलो, ब्लू. इससे तो अपने को सेकेंडरी कलर मिलता है, ऑरेंज, ग्रीन और पर्पल और ये टर्शियरी कलर. यहाँ तक ही अपने को कलर कॉम्बिनेशन सीमित में रखने का है. समझ गए कलर व्हील कैसा बनाते हैं. तो ये अभी मैं ट्रायंगल की जैसा बना दिया, तो आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, सर्कल में भी बना सकते हैं, सर्कल बना के कलर व्हील बना सकते हैं. इसमें क्या करेंगे, रेड, येलो और ब्लू कलर हो गया. इसके बाद दूसरा कलर व्हील इसमें ऊपर बना ही सकते हैं. तो ये हो जाएगा सेकेंडरी कलर.
और इसके ऊपर और एक सर्कल निकलेंगे अपने मन से निकला तो भी चलेगा, तो वो टर्शियरी कलर में जाएगा। तो अपने मन से इसमें कलर व्हील भी अपन बना सकते हैं, समझ गए कैसा है, तो कैसा कलर व्हील रहता है। लेकिन ये प्राइमरी जो कलर है रेड येलो और ब्लू, ये कोई भी कलर से नहीं बनता, इसको कलर इसके ऊपर से बहुत सारे कलर बन सकते हैं, लेकिन ये तीन जो प्राइमरी कलर है ये कोई कलर से नहीं बनता है। समझ गए सबको, समझ में आ गया कलर व्हील कैसे बनाने का है, तो कलर कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। इसमें क्या है और अपोजिट कलर भी रहता है, अपोजिट कलर व्हील भी बना सकते है, और सामने वाले जो कलर आते हैं वो भी अपन बना सकते हैं, लेकिन अपने को उसमें डीप में जाने का नहीं है, यहाँ तक कि अपने को क्या है सीमित में रखने का है। समझ गए सबको, समझ में आ गया कलर व्हील कैसे बनाने का है। तो कोई अगर प्रॉब्लम रहेगा तो ड्राइंग का जो बुक है, ड्राइंग के बुक के लास्ट पेज जो है, लास्ट पेज के ऊपर एक कलर व्हील दिया हुआ है, वो तुम लोग देख के भी बना सकते हैं, प्राइमरी कलर कौन सा है, सेकेंडरी कलर कौन सा है, और टर्शियरी कलर कौन सा है, और कैसे कलर बनाते हैं, वो भी वो बुक के ऊपर लास्ट पेज के ऊपर, ड्राइंग के लास्ट पेज के ऊपर दिया हुआ है पूरा डिटेल, वहां पर वो भी तुम लोग देख सकते हैं, और देख के भी तुम लोग कलर व्हील बना सकते हैं, सर्कल में भी बना सकते हैं, ट्रायंगल में भी बना सकते हैं, या अपने मन से जैसा भी अपने को आता है वो हिसाब से अपन को बना सकते हैं। समझ में आ गया सबको, थैंक यू।